हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिजियो पाठशाला में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू क्वेश्चन, उसके बारे में देखेंगे, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चेक करते हैं आज का हमारा जो न्यू क्वेश्चन हम लेके आ रखे हैं। बेसिकली हमारा हेड से रिलेटेड है, क्रेनियम के रिलेटेड। ओके, तो हमारा क्वेश्चन जो ये है, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सूचर कैन कॉज डॉलिकोसिफेली। ओके, तो डोलिकोसिफोली हमारा एक डिसऑर्डर है क्रेनियम या हेड से रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे सूचर्स होते हैं, बेसिकली क्या है, एक जॉइंट है, इमूवेबल जॉइंट है हमारे बॉडी, सॉरी बोन्स, स्कल्स में। इनका प्रीमेच्योर क्लोजर मतलब अपने टाइम पीरियड से पहले अगर ये क्लोज हो जाएंगे तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन, ये सॉरी क्रेनियम हेड में एक डिसऑर्डर या हमारा एक डिफेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डोलिकोसिफेली। ठीक है, तो कौन से सूचर की वजह से हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन मेटोफिक सूचर, सेकंड ऑप्शन सजाइटल सूचर्स। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा इसके बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन ऑप्शन मतलब आंसर ढूंढने से पहले, सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या ढूंढना है कि डोलिकोसिफेली का मतलब क्या है। ठीक है, अगर हमें डोलिकोसिफेली पता चल गया, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा हमारा सूचर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर? ओके, आइए नेक्स्ट। ओके, तो सबसे पहले इस स्लाइड में देखते हैं कि डोलिकोसिफेली का मतलब क्या है। जो डोलिको वर्ड है, ये बेसिकली एंशियंट ग्रीक का एक वर्ड है जिसका मेडिकल टर्म में मीन, जो हमारा मतलब निकला है वो है लॉन्ग एंड नैरो। मतलब कोई चीज़ है वो लंबी है और नैरो है ना। ठीक है, और जो सिफेली का है वो तो तुमको पता ही है, मेडिकल टर्म में हम सिफेली किसको बोलते हैं, हेड से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो उसको क्या बोलेंगे, सिफेली, या क्रेनियम से रिलेटेड या हेड से रिलेटेड। क्लियर, तो डोलिकोसिफेली मतलब क्या हो गया, एक नॉर्मल टर्म में बात करें, कोई चीज़ ऐसी लॉन्ग एंड नैरो है जो हमारा हेड में है। ठीक है, या हेड का साइज है, या क्रेनियम का पोस्चर है, या क्रेनियम का जो डेवलपमेंट साइज है वो चेंज हो चुका है, लॉन्ग एंड नैरो में चेंज हो चुका है, तो इस टाइप से रिलेटेड हो गया इसका मीनिंग। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। ओके, तो जो हमारा हेड का साइज है, या हमारा जो स्कल है, इसका जो डायमेंशन है या डायमीटर है, तो वाइड मतलब लेटरल डायमीटर, मतलब लेटरल साइड से कैसा है, विड्थ कैसी है, या इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कैसा है। ओके, तो जो हमारा डोलिकोसिफेली है, इसमें क्या हो रहा है, लॉन्ग एंड नैरो ऑफ हेड, मतलब जो हमारा स्कल का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है ये लॉन्ग हो रहा है और नैरो हो रहा है। मतलब आगे को जो फ्रंटल एरिया है प्रोमिनेंट हो जाएगा, आगे को नोज आगे को हो जाएगी, और ऑसिपिटल वाले पीछे, और बीच में जो ये वाले एरिया है टेम्पोरल, ये पिचक जाएगा ऐसे, है ना। तो बेसिकली लॉन्ग एंड नैरो हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डोलिकोसिफेली। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होगा इसमें। आप देखिए ये एक नॉर्मल पिक्चर है, इसमें डोलिकोसिफेली क्या चीज हो रही है वो दिखाया जा रहा है। दिस इज एमआरए, एमआरए सॉरी, देखो इसमें एक अलग से स्ट्रक्चर आ रहा है, हमारे हेड का कभी भी ऐसे स्ट्रक्चर नहीं आएगा। इसमें क्या है, ये आगे को लॉन्ग है नॉर्मली, इतना नहीं होना चाहिए, और ये हमारा नैरो है, इधर उधर से ऐसे लग रहा है ना, पिचक्का हुआ है, तो डेट्स कॉल्ड एमआरआई है किसका, डोलिकोसिफेली का। ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ऐसा होता है। देखो ये आगे प्रोमिनेंट पार्ट दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रंटल, फ्रंटल प्रोमिनेंस या बूसिंग हो रही है, ये पीछे ऑसिपिटल पार्ट, ये हमारा नॉर्मल टेम्पोरल पैरिएटल पार्ट है जो कि लॉन्ग हो रहा है ना। तो इसका जो एंटीरियर डायमेंशन है, एंटीरियर पोस्टीरियर वो बढ़ रहा है, और बीच में नैरोइंग हो रही है। क्लियर, तो डेट इज कॉल्ड डोलिकोसिफेली। अब यहाँ से थोड़ा हम क्लियर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो ये डोलिकोसिफेली है, इसमें नैरोइंग हो रही है और लॉन्ग एंड नैरो बन रहा है स्ट्रक्चर किसका, स्कल का, डेवलपमेंट की डेवलपमेंट जब हो रहा है इसको, ऐसा हो गया बेबी का, ओके चाइल्ड का, तो कौन से क्लोजर की वजह से हो सकता है? सोचो कि कौन सा सूचर है जिसके प्रीमेच्योर क्लोजर, मतलब उसके टाइम पीरियड से पहले ही वो क्लोज हो गया, जिसकी वजह से जब डेवलप हुआ तो वो चीज़ें लॉन्ग एंड नैरो, मतलब लॉन्ग एंटीरियर पोस्टर डायमेंशन में बढ़ा। क्लियर, जो कि नॉर्मल हमारे स्कल का जो साइज है उसमें नहीं आया। ठीक है, वो उल्टा किस्म गया, लॉन्ग हुआ और नैरो हुआ, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमेंशन में इंक्रीज हो गया। क्लियर, तो ये हो गया हमारा डोलिकोसिफेली। अब बात करते हैं सूचर्स की थोड़ा बहुत, तो हमारा आंसर निकल आ जाएगा कि कौन सा सूचर करेक्ट है डोलिकोसिफेली के लिए। ओके, देखो दिस वन, इसमें हमारा हम एंटीरियर, दिस इज वन एंटीरियर पार्ट, दिस वन सॉरी पोस्टीरियर पार्ट। ओके, तो जो एंटीरियर पार्ट है इसमें हमारे कुछ सूचर होते हैं, ये हमारे कौन सी बोन है, फ्रंटल, ये हमारे पैरेटल बोन है, पीछे ऑसिपिटल, इस साइड से लेटरल साइड से टेम्पोरल, ये जो गैप दिख रहा है दैट इज कॉल्ड फोंटेली, ये पीछे, ये एंटीरियर फोंटेली, ये पोस्टीरियर फोंटेली। ठीक है,
तो जो हमारा फ्रंटल है बोन, इसमें यहाँ पर बीच में एक सूचर होता है, डेट इज कॉल्ड मेटोपिक सूचर, जो हमने ऑप्शन में रखा है, ठीक है। ये जो हमारा ये वाला सूचर है, डेट इज कॉल्ड कोरोनर सूचर, और जो हमारे ये जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सजाइटल सूचर। क्लियर? तो हमारा सूचर पता चल गया, मेटोपिक सूचर फ्रंटल बोन के बीच में है, कोरोनर सूचर ये वाला है, ये हमारा सजाइटल सूचर है, ठीक है। क्लियर? सूचर के बारे में पता चल गया। सूचर क्या है? एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है जो हमारा ज्वाइंट बनाता है, और ये फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं, ये क्या होते हैं, इमूवेबल ज्वाइंट होते हैं, जो हमारे कहाँ पर होते हैं, स्कल्स में। अब जब स्टार्टिंग जब चाइल्ड का बर्थ होता है, तो ये जो बोन्स के बीच में सूचर है या ज्वाइंट है, ये पूरे क्लोजर नहीं होते। क्यों? क्योंकि इससे आसानी होती है बेबी को डिलीवरी के टाइम, जब बेबी आउटपुट आता है तो उसमें क्या होता है, ये स्कल के साइज को एडजस्ट करते हैं, ऊपर ओवरलाइट मोल्डिंग बोलते हैं इसका, मोल्डिंग ना, ओवरलाइट ग्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से स्पेस लूज हो जाता है और आराम से डिलीवरी होती है। तो इसलिए इनका क्लोजर बाद में होता है, धीरे धीरे, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, जो इनका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। तो जो हमारा मेटोपिक सूचर है, सॉरी, जो हमारा एक सेकेंड ना, यस, जो हमारा ये मेटोपिक सूचर है, ये मेटोपिक सूचर हमारा सेकेंड या थर्ड मंथ में हमारा क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि फ्रंटल वाला है, सबसे फर्स्ट यही होता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर ये मेटोपिक सूचर जल्दी क्लोज हो जाएगा, ठीक है, अपने टाइम पीरियड से, तो इसमें कौन सा प्रेशर पड़ सकता है, ठीक है। मान के चलो मेरा ये फ्रंटल साइड है, ये जल्दी बंद हो गया, ठीक है, तो प्रेशर कहाँ पड़ेगा, ये साइड से तो ये बंद हो गया, तो जितना भी डेवलपमेंट आएगा, जो भी साइज बढ़ेगा, वो किस बढ़ेगा, आगे को, है ना, पीछे को, यहाँ से इस टाइप से, मतलब यहाँ से ऐसे करके बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो आ ही नहीं सकता, ये बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया, तो पीछे को ऐसे बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड ट्राइगोनल सिफेली, ट्राइगोनोसिफेली। तो ये ट्राइगोनोसिफेली में क्या होता है, थ्री डायमेंशन में हमारा स्कल का साइज या स्ट्रक्चर बन जाता है। तो मेटोपिक सूचर है हमारा क्लियर हो गया कि ये से कुछ नहीं होगा, अगर ये प्रीमेच्योर क्लोजर होगा तो डोलिकोसिफेली नहीं होगी, तो मतलब मेटोपिक ऑप्शन गलत हो गया, आंसर क्या आएगा, सजाइटल। अब सजाइटल क्यों देखते हैं, ये हमारा सजाइटल सूचर। अब ये सजाइटल सूचर मतलब जो पैरेटल के बीच में जल्दी क्लोज हो जाएगा, मतलब टाइम पीरियड से पहले, ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये प्रेशर बंद हो गया, है ना, मतलब ये लॉक हो गई, ये चीजें यहां से लॉक हो गई, ये लॉक हो गया, क्योंकि यहां से बंद हो गया है, तो मतलब ये चीजें सेम हो गई, मतलब अगर ये दोनों पहले ऐसे थे, मतलब अच्छे से स्पेस है, बट ये दोनों लॉक हो गई, तो उसकी वजह से क्या हो गया, इसका डायमेंशन फिक्स हो गया, है ना। तो जो भी अब इसका डेवलप होगा, तो हमारा डायमेंशन कौन सा बढ़ेगा, एंट्रियर एंड पोस्टरियर, तो मतलब ये कहाँ का जाएगा, लॉन्ग होगा और नैरो हो जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये वाला दरवाजा बंद हो चुका है, ये फिक्स हो चुका है, ये वाला डायमेंशन, तो आगे को जब बढ़ेगा और पीछे को बढ़ा, तो बेसिकली क्या होगा, स्कल लॉन्ग होगी और नैरो होगी, मतलब ये बूसिंग आएगी, फ्रंटल बूसिंग, मतलब फ्रंटल प्रोमिनेंट सेट आ जाएगा इससे भी, और बीच में क्या आ जाएगी, नैरो, दैट इज कॉल्ड डोलिकोसिफेली, जो अभी हमने देखा था। क्लियर? तो अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सॉरी, डोलिकोसिफेली में कौन सा सूचर के प्रीमेचर क्लोजिंग की वजह से डोलिकोसिफेली होती है, तो ऑप्शन क्या आएगा, सजाइटल सूचर, ठीक है। मेटोफिक सूचर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मेटोफिक सूचर आगे साइड से है, फ्रंटल बोन में, अगर ये क्लोजिंग होगी तो इसका डायमेंशन प्रेशर, मतलब जो साइज बढ़ेगा, वो ट्राइगोनोसिफेली में बढ़ेगा, थ्री डायमेंशन में। क्लियर? दिस वन, ये हमारा है ट्राइग्लोसिफेलिक, इसमें देखो इसका डायमेंशन अलग चीज है, साइ में, ठीक है, ओके, थैंक यू। ये क्या है हमारा, डिक्लो, सॉरी, डोलिकोसिफेलिक। तो डोलिकोसिफेलिक पता चल गया किसकी वजह से होता है, सिजेटस सूचर की वजह से। इसमें क्या होता है, हमारा लॉन्ग एंड नैरो, मतलब स्कल का जो हमारा सेफ है वो लॉन्ग एंड नैरो हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन मिल गया, प्रीमेच्योर क्लोजर किसके, कौन से सूचर की वजह से डोलिकोसिफेली होती है, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन राइट, सजाइटल सूचर। ओके गाइस, अगर कोई डाउट हो या कुछ और क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू।